तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं टमाटर के खेत में पहुंच गया हूं और मैं आपको टमाटर की खेती की पूरी जानकारी देने वाला हूं, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने टमाटर, गांव में था मैं, टमाटर मैंने बिल्कुल खेत से लेके फ्रेश टमाटर यूज किए थे। तो उस समय मुझे आइडिया आया था कि आप लोगों के साथ टमाटर की खेती का वीडियो मैं शेयर करूँ। तो ये मेरे फ्रेंड का एक खेत है, बहुत ही बड़ा खेत है, उसमें इन्होंने टमाटर उगाए हुए हैं। तो उसकी पूरी जानकारी लेके मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मेरे वीडियो को आप एंड तक देखिए, ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये टमाटर हमने जो अपने मित्र के खेत से लिए हैं, आप देख सकते हैं कितने फ्रेश टमाटर हैं और इनका साइज देखेंगे आप तो बहुत ही बढ़िया फ्रेश टमाटर हैं। तो टमाटर मैंने ले लिए, बट मैं आप लोगों के लिए एक दूसरा वीडियो, जैसा मैंने कमिट किया था कि मैं दूसरा वीडियो शूट करूँगा और मैं इनसे जानकारी लूँगा कि ये टमाटर उगाने का आइडिया कहाँ से आया इनके दिमाग में। नॉर्मल धान की खेती कर रहे हैं लोग, गेहूँ की खेती कर रहे हैं, बाजरा करते हैं, मक्का करते हैं, इस तरीके के टमाटर या सब्जी की खेती यहाँ पर लोग कम ही करते हैं, बहुत कम करते हैं। तो इसका आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में? सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। हमारा नाम रामवरण यादव, जो रामवरण यादव उर्फ बेटा यादव, इनका एक निकनेम है बेटा, इनको पूरे गांव में सब बेटा के नाम से भी जानते हैं, बचपन में पढ़ जाता है। और इनका जो ओरिजिनल नाम है वो रामवरण यादव है। इनका ये खेत है, ये खेत दिखा दीजिए एक बार पूरा। और इनका जो घर है वो घर भी पास में ही है, इनके सारे खेत घर के आसपास ही हैं। इधर भी दिखा दीजिए आप घर वाला खेत। तो चलिए बात करते हैं इनसे, ये टमाटर उगाने का आइडिया कहाँ से आया? टमाटर उगाने का आइडिया एक बार मैं ऐसे ही मार्केट में बाजार में देख रहा था कि ये पौध बिक रही थी इसकी, तो उसमें से कुछ मैंने 10-15 पौधे खरीदे और उसको खेत में लगाया। तो मैंने देखा उसमें फल बहुत अच्छे आई, उसमें दवा नहीं लगा पाई मैंने तो वो बेकार हुए। अगली साल से मैंने बाजार में जाके इसका बीज खरीदा, जो बीज खरीदा फिर उसकी बुवाई पौध की है, जो नर्सरी तैयार की जाती है उस नर्सरी को तैयार किया। उसमें लगता है करीबन 20 से 25 दिन नर्सरी तैयार होने में। जब नर्सरी तैयार हो गई फिर उसको मैंने अच्छी तरह खेत को जुतवाया, उसमें क्यारियाँ डाली, क्यारियाँ डाल के फिर उस पौध को उखाड़ा और उसको मैंने लगाया। मैं आपको क्यारियाँ दिखा देता हूँ इस तरीके से, ये इन्होंने जिस तरीके से आलू में क्यारियाँ डालते हैं उसी तरीके से इन्होंने क्यारियाँ डाली। और जो पेड़ लगाया है वो पेड़ आपने जड़ यहाँ लगाया है? पेड़ की दूरी कम से कम 1.5 फुट, पेड़ की जो दूरी है वो 1.5 फुट है लगभग, क्योंकि एक पेड़ को पनपने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए होती है। जगह चाहिए, हाँ। तो इन्होंने पूरा ध्यान दिया है उस चीज़ों का, और प्रयास करने से ही होता है। तो इन्होंने पहले 8-10 पेड़ खरीदे थे, उनको देखा कि हाँ पेड़ तो अच्छा पनप रहा है पूरा, बट उसको खाद इन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं दी, तो उसमें कीड़े वगैरह लग गए, दवा प्रॉपर तरीके से नहीं की थी तो उसमें कीड़े लग गए थे। लेकिन नेक्स्ट ईयर इन्होंने जब उसको दोबारा से स्टार्ट किया तो आज आप देख सकते हैं कि इतने बड़े खेत, टमाटर का खेत इतने बड़े पैमाने पर ये इसको कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ जो इस तरीके से खेती करना चाह रहे हैं, जिनको इस तरीके खेती करने के लिए हेल्प चाहिए। मैं इनका इंटरव्यू लेने का मेरे आइडिया दिमाग में इसलिए आया कि इनको पता है कि कैसे इसको कर सकते हैं, कैसे आप लोगों के हेल्प हो सकती है। तो इनके भाई हैं ये बॉबी यादव जी, ये इनकी हेल्प करते हैं खेती करने में। और ये मेरे बड़े भाई हैं, ये अंकल जी हैं। तो टमाटर में आप जैसे खेती करते हैं टमाटर की, तो आपने बताया कि आप पौध आप यहाँ बनाते हैं, बीज बाजार से लाते हैं, तो बीज जो बीज लेके आते हैं उसमें कुछ देखना होता है कि कौन सा बीज खरीदना आपको? बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का बीज देखना होता है ना, अच्छी क्वालिटी का, कोई कंपनी वगैरह कुछ ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो मेरा बीज है ये ईस्ट वेस्ट रस्म 54 के नाम से जाना जाता है,
ईस्ट बेस्ट रस्म चौवन के नाम से क्या प्राइस पड़ा था, बीज किस रेट आता है ये तो मार्केट में 280 के समथिंग मिलेगा आपको केजी में? नहीं, 10 ग्राम, ओनली 10 ग्राम। 10 ग्राम बीज जो है 280 रुपए का, मात्र 280 रुपए का है, पैकेट मिलता है इसका। और कितने पौधे तैयार हो जाते हैं उसमें, कितने पेड़ तैयार हो जाते हैं? 18 बीघे के लिए, 1 बीघा के समथिंग तैयार हो। पेड़ कितने बोलेंगे तो? पेड़ उसमें लगभग ऐसे ही 350 से 400 पेड़ पौध तैयार हो जाती है। मतलब 1 बीघा में आप 280 रुपए के पौध से 1 बीघा में आप लगा सकते हो उसको। नॉर्मल यदि आप टमाटर के पौधे खरीदने जाते हो, मतलब पौध अगर कहीं से लेने जाते हो, तो 5 रुपए या 2 रुपए पेड़ मिलेगा आपको, तो उससे काफी सस्ता पड़ रहा है आपको। 280 रुपए में आप घर पे पौध तैयार कर सकते हो। ये मौसम के हिसाब से होता है, जैसे गर्म ज़्यादा वो गर्मी है मौसम में, तो इसमें 1 बीघे में 2 पैकेट लग जाएंगे। अच्छा, हाँ 1 बीघे में 2 पैकेट लग जाएंगे यदि ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु, क्यों हमारी जो नर्सरी हम लोग तैयार करते हैं उसमें पौधे मरते भी तो हैं, उसमें बहुत पौधे मरते हैं, तो बड़ी मेहनत के साथ ये तैयार होती है। यदि आप 2 बीघा में करना चाह रहे हैं, मतलब 1 बीघा में करना चाह रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि आप 2 पैकेट लेके चलिए, मतलब एक्स्ट्रा लेके चलिए। हाँ। कि कुछ पौधे मर जाते हैं तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप 2 पैकेट परचेज कीजिए। मतलब 20 ग्राम के लगभग बीज आप से पौधे स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं स्टार्टिंग का पौध का वीडियो नहीं दिखा सकता, इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये अपना चैनल बनाने वाले हैं और बहुत ही जल्द मैं अपने चैनल पर इनके चैनल का नाम नीचे लिंक में दूंगा, नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तो वहाँ से ये आपको खेती के बारे में बताएंगे कि इसकी कैसे, इसको इन्होंने कैसे बीज से पौध जनरेट की थी, वो सब डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप मेरे वीडियो में आगे नेक्स्ट वीडियो में जब भी ये बनाएंगे वीडियो मुझे शूट करके भेजेंगे लिंक, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी इनकी खेती की बात करते हैं। मरन जी का फ़ोन आ गया था तो वो डिसकनेक्ट हो गए हैं। अब हमारे छोटे भाई हैं बॉबी यादव जी, तो बेसिकली ये सारी खेती यही देखते हैं, तो अब आगे क्वेश्चन इनसे भी कर लेते हैं। तो ये जो आपने पौध लगाई थी, तो ये किस महीने में लगाई थी आपने? ये हमारी अक्टूबर लास्ट में लगी। अक्टूबर लास्ट या नवंबर स्टार्टिंग में? हाँ। हम पौध लगा सकते हैं, पौध लगाने के बाद ये लगभग 3 महीने का समय हो गया है। हाँ। नवंबर दिसंबर, अभी यहाँ फरवरी चल रहा है, तो ये लगभग 3 से 3.5 महीने में। आप टमाटर कब से तोड़ना स्टार्ट कर दिए थे? 3 महीने हो गए, 15-20 दिन हो गए हैं टमाटर निकल रहा है इसमें पका हुआ। ढाई महीने में पक जाता है टमाटर, 2.5 महीने में टमाटर लगभग पक जाता है। और टमाटर की जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं, और देसी टमाटर है ये। इसके अलावा इसमें खाद कौन कौन सी आपने दी है, मतलब कौन कौन सा केमिकल यूज किया? कोई रुपाई के फर्टिलाइजर में क्या क्या यूज किया आपने? रुपाई के टाइम पे इसमें डीएपी का भी यूज किया था मैंने, रुपाई के समय डीएपी का यूज किया था। उसके बाद जब आपने पेड़ लगाए थे तो डीएपी यूज किया है, उसके कितने दिनों में नेक्स्ट कब फर्टिलाइजर दिया आपने? उसके जब ये पौधा ग्रोथ कर चुका था अपने सही समय पर खड़ा हो गया था, उसके बाद उसमें मैंने कीटनाशक वगैरह उसमें डाली, मक्खियाँ जो बैठती हैं छोटी छोटी, पास ऑडियो नहीं आया, जो छोटी छोटी जो मक्खियाँ जो बैठती हैं मच्छी टाइप में, उसका न बैठने के लिए उसके कीटनाशक इसमें डाला मैंने। कीटनाशक डालने के बाद, कीटनाशक याद है कौन सा डाला था? कीटनाशक अमीटा नाम से जो आता है, अमीटा नाम से कीटनाशक, अमीटा नाम से जो आता है, हाँ वो डाला मैंने। और क्या नाम, उसको डालने के बाद जब ये पौधा अपने आप में ग्रोथ करता रहा, उसके बाद जिसमें ये फूल जो आए, ये फूल जो आते हैं इस हिसाब के जो फूल आते हैं, फूल है इस हिसाब के जो फूल आते हैं इसमें, इसको आने के लिए फिर मैंने इसमें एक ओरा नाम से जो टॉनिक आता है उसको डाला मैंने। अच्छा, टमाटर की पैदावार बढ़ाने के लिए, टमाटर की उपज बढ़ाने के लिए इन्होंने एक ओरा नाम का फर्टिलाइजर यूज किया है, जिससे आप देख सकते हैं जो टमाटर हैं कितने घने आए हैं। इस हिसाब आप पास से दिखाइए जरा, आप टमाटर देखिए, एक पेड़ पे कितने टमाटर हैं, कितने सारे टमाटर, कुछ टमाटर बड़े हो गए, कुछ छोटे हैं, कुछ छोटे साइज के हैं, और किस तरीके से पूरा खेत टमाटर से भरा हुआ है। तो ये आपका जो एरिया है, ये कितना बड़ा खेत है आपका? ये 2.5 बीघा के समथिंग, ये 2.5 बीघा का खेत है इनका। तो कितने टमाटर अभी तक आप सेल कर चुके हैं? 70 करेड के समथिंग में से निकाल चुका हूँ इसके से टमाटर। 70 करेड, मतलब एक करेड कितने रुपए की जा रही है अभी? अभी इस समय जो चल रही है वो 200-220 ऐसे समथिंग, 220 चल रही है। 20 किलो होते हैं करेड में? 25 किलो की करेड 220 रुपए अभी जा रही है। हाँ।
जो यहाँ का लोकल का रेट है। अब शहर में तो 20 रुपए किलो और 30 रुपए किलो आपको मिलते हैं ये, और जो खेत का रेट बता रहा हूँ आपको, जो ये सेल कर रहे हैं यहाँ से खेत से, ये जो टमाटर इनके जा रहे हैं 25 किलो की 220 रुपए, मतलब 8-9 रुपए किलो यहाँ से खेत से जा रहा है, जो आपको 30 रुपए 25 रुपए में खेत से आपको बाजार से मिलता है, मार्केट से मिलता है। दूसरी चीज, टोटल 2.5 बीघा खेत में कितने टमाटर हो जाएंगे आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से इसमें अगर रेट में जो बढ़ोतरी हुई अगर, तो इसमें 2-2.5 लाख के समथिंग निकल जाएगा। 2.5 लाख के टमाटर ये 2.5 बीघा खेत से अपने सेल कर लेंगे अप्रोक्सीमेट। थोड़ा सा कम हो सकता है, 20,000 रुपए बढ़ सकते हैं। रेट अभी कम चल रहा है, रेट बढ़ सकता है टमाटर का रेट, जैसे अभी 20 रुपए मार्केट में मिल रहा है और कभी कभी 50 रुपए भी मिल जाते हैं टमाटर। दूसरी चीज, इसमें टोटल लागत कितनी आ जाएगी आपकी? लगभग में लागत यही होगी पूरे खेत में लगभग में 25-30 हजार के समथिंग। 30 हजार की लागत, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका, बाकी आपकी मेहनत है। आप कितनी मेहनत कर लेते हैं? मेहनत बहुत होती है इस खेती करने में, बट आप कर सकते हैं। धान गेहूं गन्ना छोड़ के भी बाजरा खोल सके, इसमें उतनी मेहनत आप वहां करते हैं, इतनी मेहनत यहां करनी है आपको, और इसको आप कर सकते हैं खेती को। मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव था वो यही था कि ये वीडियो मैं इसी क्षेत्र के लिए बना रहा हूं। मैं जैसे आप लोग जानते हैं, मैं इटावा का रहने वाला हूं, मेरा गाँव पड़ियापुरा। अपने गाँव की, मेरे भाई ने खेती अलग करने की सोची है, तो बस मैं उसी को प्रमोट करना चाह रहा था, तो आपको दिखाना चाह रहा था कि टमाटर की खेती, ऐसे बहुत सारी खेतियां हैं जो आप कर सकते हैं। इन्होंने वैसे और भी खेती की हुई है, मैं इनकी सारी खेती आपको दिखाता हूं एक बार, बट ये थोड़ा अलग था इसलिए मैंने इसको आपको दिखाया, शूट किया, और आप इनसे कुछ सीख सकें। आगे अगर आप टमाटर की खेती करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो मैंने इतनी सारी जानकारी दे दी है, यदि आप इसके अलावा भी कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मुझे नहीं आता, मैं किसान नहीं हूँ, आप लोग जानते हैं मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं कुकिंग करता हूं, और ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूं कुकिंग चैनल के लिए, क्योंकि टमाटर हम कुकिंग में डेली यूज करते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टमाटर कहां से आ रहा है, कैसे लोग इसको खेत में पैदा करते हैं, क्या रेट पड़ता है, और आपको मार्केट में किस रेट पड़ता है। तो ये वीडियो हमारा दो हेल्प करेगा आपकी, एक वो लोग जो जानना चाह रहे हैं कि टमाटर कैसे पैदा होता है, टमाटर को कितनी मेहनत पड़ती है लोग खेत में, आप जो खाते हैं बाजार से खरीद के, तो वो दूसरा था कि मैं जो भाई टमाटर पैदा करना चाह रहे खेत में, तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्प करेगा, तो बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। तो आप, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखें एंड तक, इसको शेयर करें, लोगों में जागरूक बनाएं लोगों को, और लोगों को भी शेयर करें। भाभी जी, बहुत अच्छा लगा आपके खेत में आके आपसे टमाटर लेके, इन्होंने मुझे इतने सारे टमाटर दिए हैं और इसका मैं इनको पैसे नहीं लाया हूँ, पैसे तो लाया नहीं मैं, कोई बात नहीं 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 पैसे तो लेने पड़ेंगे आपको, लेकिन मेरे पास है नहीं अभी, तो इनके लिए मैं पैसे नहीं लाया हूँ, बट मैंने इनको अपनी जो बाजरे के लड्डू रेडी किए थे उसकी सामग्री नोट कराई है, उसके बदले इन्होंने मुझे टमाटर दिए हैं, और ये कल बाजरे के लड्डू रेडी करने वाले हैं, तो हो सकता है मेरी हेल्प लेंगे, ये मैंने इनको बता दिया, वीडियो दिखा दिया, हो सकता है मैं कल आके इनके बाजरे के लड्डू रेडी करूँ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।